हेलो चिल्ड्रेन, तो अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा जो फिजिक्स का बेसिक चीज था, फिजिकल क्वांटिटी देखा, और फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होना बहुत जरूरी था। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड इज यूनिट, और डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट को देखा। क्लियर है? आज जो मैं शुरू कर रहा हूं एकदम न्यू टॉपिक है फिजिक्स का, जिसका नाम है वेक्टर। आज जो शुरू कर रहे हैं ये क्या है? वेक्टर। हमने देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड सेकंड इज डेराइव्ड। और फंडामेंटल किसको कहते थे? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता था, और डेराइव्ड किसको कहते थे? जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता था। फिर सेकेंड आए ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट एंड सेकेंड इज वेरिएबल। एंड कॉन्स्टेंट भी दो तरह का होता था, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट एंड नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। एंड वेरिएबल का भी टू टाइप्स था, डायमेंशनल वेरिएबल एंड नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। आज हम देख रहे हैं ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, दिस फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। जैसे हमने यहां पे लिखा 6 मीटर, और यहां हमने लिख दिया 6 मीटर नॉर्थ। ध्यान से देखेंगे यहां क्या लिखा हुआ है, 6 मीटर। ये जो 6 है मेरा, ये है न्यूमेरिकल्स वैल्यू, और मीटर क्या है? यूनिट। यहां पे देखें, यहां भी 6 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। मीटर क्या है? यूनिट। और नॉर्थ क्या है मेरा? डायरेक्शन। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला करके हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और यहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला करके क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। एंड डी फॉर डायरेक्शन। तो हम देख रहे हैं यहां पे ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और यहां पे ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्लियर है? लेफ्ट साइड वाले में क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, और यहां पे क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम कहते हैं स्केलर। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। तो स्केलर को कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर, एंड फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, फिर भी वह स्केलर हो जाता है। इसीलिए ये जो हम डिफिनेशन बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, ये डिफिनेशन मेरा गलत हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, यहां पे हमने लिखा 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 7 मीटर। अगर वेक्टर में हम 4 मीटर प्लस 3 मीटर को ऐड करते हैं तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 मीटर होगा और मैक्सिमम वैल्यू 7 मीटर होगा। मीन्स अगर 4 मीटर और 3 मीटर को हम वेक्टर सम करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू 1 मीटर एंड मैक्सिमम वैल्यू 7 मीटर। और 1 मीटर से लेकर के 7 मीटर के बीच में कितना नंबर लिख सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। मीन्स जब दो फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर सम करेंगे तो उसमें क्या होगा? एक मिनिमम वैल्यू देगा और एक मैक्सिमम वैल्यू देगा, और उस दोनों के बीच में जितना नंबर होगा वो सारा वैल्यू वैलिड होगा। तो वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, एंड ऑल्सो ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? मीन्स व्हाट इज स्केलर?
फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए स्केलर एंड फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड एज वेल एज ऑल्सो विद द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर है? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा तो वेक्टर हो जाएगा, उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा. और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है हम पढ़ेंगे थोड़ा देर में, देखते हैं. जैसे ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो अगर हम डायरेक्ट जोड़ते हैं इसको 4 मीटर और 3 मीटर को, तो ये मेरा हो जाएगा 7 मीटर. अगर हम यहां से इसको मिला देता हूं, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 5 मीटर. तो ये अगर हम डायरेक्ट ऐसे जाते हैं तो दिस इज डिस्टेंस, इसको मिलाते हैं तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट. और जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू निकालते हैं हम वेक्टर सम से निकालते हैं. पहले तो हम देख लें व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर. व्हाट इज स्केलर? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड ए स्केलर एंड फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली वेक्टर. अब हम यहां पर देखते हैं स्केलर का एग्जाम्पल क्या क्या होगा. मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको क्या याद करें, सबको क्या याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ देर तक पढ़ते रहेंगे खुद अपने आप पता कर लेंगे कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, उसको हम पहचानने का तरीका अब देखते हैं. अब यहां पे देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है, फिर भी यह स्केलर है इसलिए कि इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ एडिशन. ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है, इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है. क्लियर है? व्हाट इज स्केलर? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर. दीज आर द एग्जांपल. एंड फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर. और वेक्टर का एग्जाम्पल क्या होगा? वेक्टर का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, ईटीसी. ये सारा जो होगा मेरा क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा. क्लियर है यहां तक? चले आगे चलते हैं. अब हम देखें, हमने वेक्टर का देख लिया क्या डिफिनेशन और स्केलर का भी डिफिनेशन. अब यहां पे हम लिखते हैं स्केलर. सबसे पहले हम देते हैं हेडिंग स्केलर. व्हाट इज स्केलर? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर एंड इट ओबे द सिंपल रूल ऑफ अलजेबरा. ये अलजेबरा के सिंपल रूल को ओबे करता है. क्लियर है? अलजेबरा के सिंपल रूल को ओबे करेगा, मींस इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जो होगा सिंपल होगा. ये जो होगा मेरा जो अलजेब्रा में पढ़ते हैं उसी तरह से हम स्केलर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं. क्लियर है? हमको पढ़ना क्या है? वेक्टर. अब हेडिंग दिया हुआ है यहां पे व्हाट इज वेक्टर. फिजिकल क्वांटिटी
having magnitude, direction and also obey the vector law of addition is called vector. तो हमने वेक्टर का डेफिनेशन देखा. अब इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है मेरा, अब वेक्टर शुरू हो रहा है, आप देखे ध्यान से. इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेरा वेक्टर का, हम वेक्टर जैसे आप कहीं भी जाते हो, कहीं अननोन जगह फर्स्ट मुलाकात किसी से हो, तो पहले क्या पूछते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं. मीन्स आप अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, आप कौन है. उसी तरह अगर वेक्टर को पहचानना है तो उसके लिए सबसे पहला जो टॉपिक है वेक्टर में, उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. सबसे पहला टॉपिक वेक्टर का क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. जैसे हमने यहां पे लिखा वेक्टर ए, तो हम क्या करेंगे, इसको ए लिख करके इसके ऊपर में एरो दे देंगे, नहीं तो इस ए को बोल्ड लेटर में लिख देंगे. दिस इज वेक्टर ए, इतना नहीं बोलेंगे डायरेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए, नहीं तो ये बोल्ड लेटर में होगा लिखा हुआ. ये भी क्या होगा, वेक्टर ए. जैसे हमने यहां पे लिखा वेक्टर पी, तो यहां पे क्या कर दिया, पी लिख दिया, इसके ऊपर में एरो, नहीं तो और पी दे करके और इसको बोल्ड लेटर में लिख दिया. दिस इज वेक्टर पी. मीन्स वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ऑल ओवर द हेड और इन बोल्ड लेटर. आप अपने बुक में एनसीईआरटी खोल करके देखें, जितने भी चीज होगा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ होगा, नहीं तो एरो दे करके लिखा हुआ, वो सारा का सारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा. क्लियर है. मीन्स वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन एरो ऑन ओवर द हेड और इन बोल्ड लेटर. वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ऑन ओवर द हेड और इन बोल्ड लेटर. सेकेंड टर्म है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, या इसी का दूसरा नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. व्हाट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर. व्हाट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर. अगर हमको यहां पे लिखा हुआ है ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, हमको किसी ने बोला आप लिखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो हम ऐसे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. अगर इसको सॉर्ट करेंगे हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अगर इससे भी सॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. क्लियर है. मीन्स इतना बड़ा नहीं लिख करके हम सिर्फ इतना लिख देंगे, जिसको हम क्या पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. अगर यहां पे हम लिखा मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी, तो यहां पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी, और इसको सबसे शॉर्ट में लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी. क्लियर है. एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी ये ओनली ओनली मैग्नीट्यूड को बताता है, इसीलिए क्या होगा स्केलर होगा. किसी भी वेक्टर का मॉडुलस जो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, इसीलिए क्या होगा स्केलर होगा. मॉडुलस ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस डालेंगे बीच में वेक्टर देंगे, और किसी भी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा स्केलर होगा. क्लियर है. अगर हम यहां पर क्वेश्चन दे आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर इज फर्स्ट नंबर चॉइस स्केलर, सेकेंड नंबर चॉइस वेक्टर, थर्ड नंबर चॉइस बोथ ए एंड बी, एंड डी नंबर चॉइस नन. क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर ओनली मैग्नीट्यूड को बताता है, तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, वो स्केलर होगा. सो योर आंसर इज स्केलर. क्लियर है. चलते हैं आगे. अब आप देखो अगर ये मेरा कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये अभी क्या है स्केलर है.
अब कहता है, ये कहता है हमको वेक्टर बना दो, तो आप क्या कर दो इसके ऊपर में एरो लाइन दे दिया, ये क्या बन गया वेक्टर। फिर इसको हम स्केलर कैसे बनाएंगे, इसको मॉडुलस में डाल देंगे, ये इक्वल क्या हो जाएगा पी, मतलब ये दोनों सेम चीज है। क्लियर है, ये भी मेरा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी स्केलर होगा। अगर ये मेरा क्यू है, क्यू अभी क्या है स्केलर है, इसके ऊपर मैं एरो दे दिया तो क्या बन गया वेक्टर, फिर इसको मॉड में डाल दिया तो क्या बन गया स्केलर। क्लियर है, अगर ये ए क्या है मेरा भी स्केलर है, फिर इसको मॉड में डाल, ये वेक्टर बना दिया, फिर इसको हमने मॉड में डाल दिया तो ये क्या बन गया फिर ये स्केलर। मीन्स ऐसा लिखा हुआ रे या ये रे बोथ आर सेम चीज। क्लियर है, तो हमने बताया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ऑन ओवर द हेड। सेकेंड नंबर टर्म था मॉडुलस ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है, एंड मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर इज स्केलर। अगर हमने यहां पे लिख दिया एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स। ये जो टर्म बता रहे हैं हम, ये वेक्टर टॉपिक को समझने के लिए, ये दो हमने टर्म समझाया अभी। क्लियर है, फर्स्ट नंबर में क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एरो देकर के, नहीं तो बोर्ड लेटर देकर के। फिर मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो उसके मॉड में डाल देते हैं तो स्केलर बन जाता है, मीन्स किसी भी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा स्केलर। इसको भी हम क्या पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, एंड दिस इज आल्सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, दिस इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्यू, मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। तो हम देखते हैं अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कुछ वेक्टर का टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में है मेरा नंबर वन पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, जब दोनों वेक्टर के बीच का डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे सेम होता है तो उसको हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है इसीलिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री है यहां पे जीरो डिग्री है। अब इस पैरेलल वेक्टर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे ये है वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी। अब यहां पे देखो ये दोनों वेक्टर का जो लेंथ है सेम है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और दोनों पैरेलल भी है एवरी पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहां पे क्या है मेरा वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का, मीन्स दोनों का लेंथ है। मीन्स आप ये भी कह सकते हो लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। मीन्स किसी भी वेक्टर का लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, जैसे हम यहां पे बना दिया ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और यहां पे हम बोल सकते हैं वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ग्रेटर है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि वेक्टर ए का लेंथ ज्यादा है। यहां पे हम देख रहे हैं दोनों वेक्टर इक्वल लेंथ का है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का। अगर हम यहां पे ऐसे बना दें ये है वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी, मीन्स वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल नहीं है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का, क्या इक्वल है नहीं है इक्वल। अब देखो लेकिन बीच का डिस्टेंस क्या है एवरी पॉइंट पे सेम है, इन दिस डायग्राम थीटा इज जीरो डिग्री, इन दिस डायग्राम थीटा आल्सो इज जीरो डिग्री, और यहां पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं है, तो है क्या, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ग्रेटर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। ये मेरा ऐसा पैरेलल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और एक ऐसा पैरेलल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है। क्लियर है, हम पढ़ रहे हैं पैरेलल वेक्टर।
और पैरेलल वेक्टर कहते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर देन टू भी हो सकता है, मिनिमम टू लेते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एवरी पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। क्लियर है? एंड पैरेलल वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इक्वल पैरेलल वेक्टर, एंड पैरेलल वेक्टर हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड लाइक पैरेलल वेक्टर। क्लियर है? इसको अनइक्वल पैरेलल वेक्टर नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? लाइक पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे आप अपने मम्मी को ये जो पिताजी की वाइफ नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं। मदर बोलना या वाइफ ऑफ माय फादर मींस पापा की वाइफ नहीं बोल सकते हैं, उसी तरह हम इसको हम अनलाइक पैरेलल वेक्टर नहीं बोलते हैं। मींस ये जो हो जाएगा मेरा लाइक पैरेलल वेक्टर होगा, मींस ये दोनों वेक्टर का बीच का डिस्टेंस क्या है, एवरी पॉइंट पे सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसीलिए इसका नाम हो गया इक्वल पैरेलल वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर के बीच का डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसको अनलाइक पैरेलल वेक्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर। ये है, क्लियर है? ये मेरा क्या है? लाइक पैरेलल वेक्टर। तो व्हाट इज इक्वल पैरेलल? मींस पैरेलल वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इक्वल पैरेलल वेक्टर, एंड पैरेलल वेक्टर हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड लाइक पैरेलल वेक्टर। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर, इक्वल पैरेलल वेक्टर एंड लाइक पैरेलल वेक्टर? सारे के बीच एंगल कितना डिग्री होगा? जीरो डिग्री होगा। क्लियर है? ये हमने पहला देखा पैरेलल वेक्टर। नंबर टू देखते हैं। नंबर टू में हमने लिखा एंटी पैरेलल वेक्टर, मींस पैरेलल का जस्ट रिवर्स है। क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। आप ईस्ट जा रहे हो तो आपका फ्रेंड वेस्ट जा रहा है, मींस दैट इज एंटी पैरेलल। जैसे हमने यहां पे बनाया ये है वेक्टर ए और इसी का जस्ट रिवर्स है ये वेक्टर बी। अब देखिए दोनों वेक्टर के बीच का डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे क्या है? इक्वल है बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। एक इधर जा रहा है राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। यहां दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। मींस इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स एट एवरी पॉइंट इज सेम बट ओपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर, एंड एंटी पैरेलल वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आप देखो ये वेक्टर ए है और नीचे वाला वेक्टर बी है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का, बट डायरेक्शन इज ओपोजिट। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर। अब यहां पे देखते हैं ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है। क्लियर है? और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल नहीं है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का। यहां किसका है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेस है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का। तो बोलेगा सर ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये लेस होगा? नहीं, लेंथ देखेंगे। जिस वेक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा, या प्लस में जा रहा हो या माइनस में जा रहा हो, मीन जिसका लेंथ जितना ज्यादा होगा वही उसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। मींस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है वेक्टर ए से और दोनों के बीच का डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे क्या है? सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइक एंटी पैरेलल वेक्टर। तो व्हाट इज एंटी पैरेलल वेक्टर? इसका दूसरा नाम बुक में नेगेटिव वेक्टर भी लिखा हुआ होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स एट एवरी पॉइंट इज सेम बट ओपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर, एंड एंटी पैरेलल वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर, एंड एंटी पैरेलल वेक्टर हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड लाइक एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर है यहां तक? चले आगे, चलते हैं आगे। आपने फर्स्ट में क्या देखा? पैरेलल वेक्टर। सेकंड में क्या देखा?
एंटी पैरेलल वेक्टर। थर्ड में देखते हैं क्या होता है। नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड है कोलिनियर वेक्टर। ये टर्म जो है, ये सब सारा टर्म आप लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे होगा, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होगा देखते हैं। अब देखिए आप, ये वेक्टर ए है और इसका ये ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका हेड है। अब यहीं से जो मेरा इसी पॉइंट पर से ये एक वेक्टर मेरा बी है, या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, ये है मेरा वेक्टर ए, इसका ओरिजिन यहां है, एंड सेकेंड वेक्टर ये है मेरा, ये है मेरा वेक्टर बी। दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे है और इस दोनों डायग्राम में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना डिग्री है, जीरो डिग्री। मीन्स ये पैरेलल भी है और एक लाइन पे भी है। अब देखते हैं, ये है मेरा वेक्टर ए और इसका ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हेड है, और यहां से मेरा एक दूसरा नंबर का इस पॉइंट पर से ये इधर एक मेरा वेक्टर बी। आप देखो ये दोनों भी एक ही लाइन पे है, हम यहां से ऐसे ही बना सकते हैं, ये है मेरा वेक्टर ए और इसका भी ओरिजिन यहीं पर, ये है मेरा वेक्टर बी। आप देखो यहां पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री है, यहां पे थीटा मेरा है 180 डिग्री। अभी हम देख रहे थे जब थीटा 0 डिग्री था तो पैरेलल कहलाता था और थीटा 180 था तो एंटी पैरेलल था। तो हम यहां देखते हैं कोलिनियर क्या होता है। आप देख रहे हो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही लाइन पे है ना, यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही लाइन पे है, इसको भी हम मिला रहे हैं तो दोनों एक ही लाइन पे है, ये भी दोनों एक ही लाइन पे है। मीन्स टू और मोर देन टू वेक्टर्स, कितना, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन सेम लाइन, सेम लाइन पे है ना, क्लियर है। टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन सेम लाइन, इट मे बी इन सेम डायरेक्शन और इन ओपोजिट डायरेक्शन। ऊपर वाले दोनों किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, और नीचे वाले दोनों किस में है, ओपोजिट डायरेक्शन में है, इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है। टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन सेम लाइन, इट मे बी इन सेम डायरेक्शन और इन ओपोजिट डायरेक्शन, इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है। अगर हम यहां पे पूछे आपसे, ये से यहां पे हमने बना दिया, ये है वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी, दो वेक्टर ए वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, क्या ये पैरेलल है कि नहीं, तो यहां थीटा 0 डिग्री वेक्टर है तो ये मेरा पैरेलल भी है, पैरेलल है और दोनों एक ही लाइन पे है तो को लीनियर भी है। मीन्स कोलिनियर वेक्टर मे बी पैरेलल कि मस्ट बी पैरेलल, आप बताओ कोलिनियर वेक्टर मे बी पैरेलल या मस्ट बी पैरेलल। तो आप देख रहे हो कोलिनियर वेक्टर मे बी एंटी पैरेलल भी है और पैरेलल भी है, इसीलिए कोलिनियर वेक्टर मे बी पैरेलल नॉट मस्ट बी पैरेलल, एंड कोलिनियर वेक्टर मे बी एंटी पैरेलल नॉट मस्ट बी एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे हम यहां पे बना दिया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मेरा बी है। आप देखो यहां पे ये दोनों तो पैरेलल है बट कोलिनियर नहीं है, लेकिन ये दोनों वेक्टर क्या है मेरा, पैरेलल भी है और कोलिनियर भी है, इसीलिए सारे पैरेलल वेक्टर कोलिनियर नहीं हो सकते और सारे कोलिनियर पैरेलल भी नहीं हो सकते। जैसे हमने यहां पे बना दिया, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है बट कोलिनियर नहीं है। यहां पे देख रहे हैं क्या, ये दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, सो ये दोनों मेरा एंटी पैरेलल भी है और कोलिनियर भी है, सो कोलिनियर वेक्टर मे बी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, एंड एंटी पैरेलल एंड पैरेलल वेक्टर मे बी कोलिनियर। क्लियर है। चले आगे नंबर फोर नंबर में हम देखते हैं क्या है। नंबर फोर
कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर। अब कोइनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं? जैसे ये एक पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर ए है, फिर इसी पॉइंट पर से एक वेक्टर बी है, फिर इसी पॉइंट पर से एक वेक्टर सी है, फिर इसी पॉइंट पर से एक वेक्टर डी है। मीन्स एक पॉइंट से इनफाइनाइट वेक्टर खींच सकते हैं। अगर एक पॉइंट पे टू और मोर देन टू वेक्टर का टेल कॉमन हो तो वैसा ही वेक्टर क्या कहलाता है? कोइनिशियल वेक्टर कहलाएगा। अब आप देखो, जैसे यहां पे एक वेक्टर ए है और यहां से हमने बना दिया एक वेक्टर ये बी, ए एंड बी, तो इसका इनिशियल पॉइंट यहां पे है और ए का इनिशियल पॉइंट यहां पे है। ये दोनों एक दूसरे का कोइनिशियल नहीं है। व्हाट इज कोइनिशियल वेक्टर? टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। मीन्स टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। आप यहां पे देखो, जैसे हमने यहां पे बना दिया ये एक पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर ए है और यहां पर एक पॉइंट है ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर क्या क्या होगा? पहला नाम लिख रहे हैं पैरेलल, नंबर बी में एंटी पैरेलल, नंबर सी में कोलिनियर एंड नंबर डी में कोइनिशियल। तो कौन सा होगा? मीन्स ये दोनों वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, मीन्स थीटा कितना डिग्री है? जीरो डिग्री है, इसीलिए पैरेलल हो जाएगा। और थीटा जीरो डिग्री है मीन्स एंटी पैरेलल के लिए 180 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। और दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर भी होगा। और दोनों का पॉइंट एक जगह पे नहीं है, एक का स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, एक का स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, इसीलिए ये नहीं होगा। क्लियर है? अगर हम इसी में क्वेश्चन में बदल दें, एक ऐसा बना दें, ये है मेरा एक पॉइंट, यहां से एक वेक्टर ये ए है और इसी पॉइंट पर से एकदम दोनों का पॉइंट यही है, ये एक वेक्टर बी है, तब ये दोनों वेक्टर क्या क्या हो सकता है? आप देखो, दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना डिग्री है? जीरो डिग्री, तो पैरेलल भी हो जाएगा और एंटी पैरेलल नहीं होगा, एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर भी होगा, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह पे है, इसीलिए क्या हो जाएगा? कोइनिशियल भी हो जाएगा। क्लियर है? मीन्स टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। अगर हम यहां पे पूछे आपसे, ये मेरा वेक्टर ए है और ये यहां पर मेरा ये वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा 180 डिग्री है, तो ये कौन कौन सा वेक्टर हो सकता है? चॉइस सेम है आपका, यही चॉइस है, इसमें से पता करना है कौन कौन सा होगा। ये दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना डिग्री है? 180 डिग्री, इसीलिए पैरेलल नहीं होगा। 180 है तो एंटी पैरेलल होगा और दोनों के जो है एक ही लाइन पे है, इसीलिए कोलिनियर हो जाएगा, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी एक ही जगह पे है तो कोइनिशियल भी हो जाएगा। अब आपसे कोई अगर पूछे, एक ऐसा वेक्टर का एग्जांपल बताइए जो कोलिनियर भी है, कोइनिशियल भी है और पैरेलल भी है, तो ये वाला एग्जांपल होगा। एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो कोलिनियर है, एंटी पैरेलल है और कोइनिशियल भी है, तो ये मेरा क्या है? कोलिनियर भी है, एंटी पैरेलल भी है और कोइनिशियल भी है। कोलिनियर क्यों है? तो दोनों एक ही लाइन पे है। एंटी पैरेलल क्यों है? तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। और कोइनिशियल क्यों है? तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह पे है। तो आज हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ वेक्टर का, चार टाइप। फर्स्ट इज पैरेलल वेक्टर, सेकेंड इज एंटी पैरेलल वेक्टर, थर्ड इज कोलिनियर वेक्टर एंड फोर्थ इज कोइनिशियल वेक्टर। इतना को अच्छे से देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। तो बाय।